हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं गौरव महिंद्रा आप सबका स्वागत करता हूं। आज स्पेशल क्लास होने जा रही है आप सबके लिए, रक्षाबंधन स्पेशल क्लास। ये स्पेशली रक्षाबंधन का फेस्टिवल होने वाला है। बहुत सारे लोग अपने घर में होंगे, क्लियर है, और बहुत सारे लोग क्लियर इस फेस्टिवल को मनाएंगे। तो इसी के लिए महिंद्रा ने एक स्पेशल क्लास आपके लिए ऑर्गेनाइज़ करी है, क्लियर है, रीजनिंग एसएससी। अब एसएससी की क्लास है। इस क्लास में बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी जो नॉर्मल वे में आपकी छूट जाती हैं। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, इस स्पेशल क्लास का क्लियर बारे में बताते हैं। देखिए, टेलीग्राम चैनल के बारे में आपको पता होगा कि मेरा टेलीग्राम चैनल गौरव अंडरस्कोर आरई है, जिस टेलीग्राम चैनल से आप अपनी बात को मेरे तक पहुंचा सकते हो और मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकता हूं। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी इंक्वायरी हो, तो आप मुझे इस टेलीग्राम चैनल के प्लेटफॉर्म से आप मेरे तक पहुंचा सकते हो। आज की क्लास में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसके ऊपर भी हम लोग बताने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कैलेंडर एंड क्लॉक। कैलेंडर और क्लॉक दो ऐसे पार्ट हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत सारे लोग गलत करते हैं, ये चीज़ है, क्लियर है। लेकिन ये चैप्टर ऐसे हैं, नोटिस करना, कि इन चैप्टर पे बेसिक फंडा बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, तभी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। आप भी मानते हैं इस चीज़ को। कई बार ऐसा होता है कि बेसिक्स ना पता होने की वजह से हमारी चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको कुछ बेसिक्स बताऊँगा कैलेंडर के बारे में और क्लॉक के बारे में, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, नॉर्मल सेंचुरी जो होती है 100 साल, 200 साल, 300 साल और 400 साल को हम बोलते हैं लीप सेंचुरी, क्लियर है, क्योंकि लीप ईयर हर 4 साल बाद आ रहा होता है। लेकिन शताब्दी के केस में ये 100 साल बाद भी नहीं, मैं 125 साल जो होता है वो लीप ईयर नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बोलें 4 16, 4 8 12 16, ये सारे लीप ईयर है, क्लियर है, लेकिन 96 तक जाएगा। लेकिन जो 100 ईयर होगा वो लीप ईयर नहीं होता, वो लीप ईयर नहीं होता, 104 लीप ईयर आएगा, नोटिस करिएगा। और इसी वजह से आप नोटिस करिए, 100 साल में आपके 5 ऑड डेज आते हैं। अब ये 5 ऑड डेज बने कैसे और इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, आज की क्लास में हम यही बताने वाले हैं। नोटिस करिएगा, आप सभी को पता होगा 100 साल में अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 25 लीप ईयर आते हैं, होने चाहिए 25, लेकिन हमारे पास 25 ना होकर 24 होते हैं लीप ईयर। लीप ईयर की संख्या हमारी हो जाती है 24 और नॉर्मल ईयर की संख्या हो जाती है 76। हर लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, तो 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, क्लियर है, और हर नॉर्मल ईयर में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 76, 76 सामने आ रहा है, क्लियर है। अब नोटिस करिएगा, आप इन दोनों वैल्यू को जोड़ दीजिए, 8 और 6 14, वैल्यू आई 1 12 124 आया। इसको हम 7 से डिवाइड मारेंगे। जैसे ही हम इसको 7 से डिवाइड मारेंगे, आप नोटिस करिएगा, हम 7 से डिवाइड करने का ना, 7 एकम 7, 5 और 4, तो 7 7 49, बच कितना गया 5, क्योंकि 49 तो बाहर हो गया, बचा कितना 5 बटे 7, ये पूरी वैल्यू निकल कर आती है 17 सही 5 बटा 7। लेकिन हमें 17 का कोई काम नहीं है, हमें इस काम है 5 का, तो इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा डे, दैट कॉल्ड ऑड डे। तो हमारे सामने 5 ऑड डेज निकल कर आते हैं जो एक्स्ट्रा हो रहे होते हैं। अब ये बताओ, 100 साल में अगर 5 दिन है तो 200 साल में 10 दिन होंगे, सिंपल सी बात है, 200 साल में 10 दिन होंगे, तो 10 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 सही 3 बटा 7 आएगा, तो 3 दिन हमारे सामने एक्स्ट्रा निकल कर आएंगे। और आपके सामने देखिए 3 दिन लिखे हैं। अगर हम 100 साल में 5 दिन है तो जेन्युइन सी बात है 200 साल में 10 दिन होने चाहिए, लेकिन जैसे ही वो वैल्यू 7 से ऊपर जाएगी हम उसको फिर से 7 से डिवाइड मारते हैं, क्लियर है। तो दोनों चीज़ें आपकी क्लियर हो गई, 100 साल में 5 दिन, 200 साल में 3 दिन, इसी तरह से 300 साल में 1 दिन आएगा, क्योंकि 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, जैसे ही वैल्यू 15 आ रही है 15 को 7 से डिवाइड करेंगे, क्लियर है, तो वैल्यू 1 रिमाइंडर आएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर आपका 1 रिमाइंडर आ रहा है, आपके सामने 1 रिमाइंडर है, यहाँ 3 रिमाइंडर है, यहाँ पर 5 रिमाइंडर है। अब रही बात आती है 400 साल पर, तो नोटिस करिएगा 100 साल में 5 दिन है तो 400 साल में 20 होने चाहिए, लेकिन जो आपका 400वां सेंचुरी ईयर होता है उसमें 1 दिन और एक्स्ट्रा मिल जाता है, जिसकी वजह से वैल्यू आ जाती है 21, और 21 को 7 से डिवाइड करने पर वैल्यू रिमाइंडर आता है 0। तो नोटिस करिएगा कि 100 साल में 400 साल में 0 दिन रिमाइंडर होता है। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। आगे बताने जा रहा हूँ क्लॉक के बारे में। देखिए, आवर क्लॉक में 2 सुइयाँ होती हैं, 1 घंटे की सुई होती है और 1 मिनट की सुई होती है। अब घंटे की सुई और मिनट की सुई को कैसे हम रोल करके क्वेश्चन बनाते हैं, इसके ऊपर हम आज की क्लास में आपको क्वेश्चन कराएंगे। तो जल्दी से आते हैं क्वेश्चन पे आते हैं।
ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने है, घड़ी की सुई के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो समझाने जा रहा हूं मैं घड़ी की सुई को कैसे सॉल्व करते हैं। 15 सेकंड मैं आपको दे रहा हूं, पहले पहले आप ट्राई करिएगा। क्लियर है? 5:15 पर दोनों सुइयों के बीच में कोण कितना बनेगा, दोनों सुइयों के बीच का कोण है। तो चलिए समझाते हैं आपको कि दोनों सुइयों के बीच में कोण कितना बढ़ेगा। देखिए 5:15 पर आपके सामने मिनट वाली सुई और आवर वाली सुई यहाँ होगी। अब आपको ये पता होगा कि ये जो 5 की दूरी आ रही है इसको हम बोलते हैं 30 डिग्री। क्लियर है? क्योंकि एक मिनट में मिनट वाली सुई, क्लियर है, 6 डिग्री बनाती है और हमारे सामने यहां से लेकर यहां तक कितना डिग्री आ रहा है, 10 मिनट आ रहा है। तो 10 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगा। यहां से हमें 60 डिग्री मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब नोटिस करिएगा, क्लियर है, कि जब ये 60 डिग्री तो हमने निकाल लिया कि यहां से यहां तक 60 डिग्री है, लेकिन तब माना जाएगा जब आवर वाली सुई हमारी 5 पे फिक्स रहती है। क्या आवर वाली सुई फिक्स है? नहीं। जब ये मिनट वाली सुई यहां से यहां तक मूव कर रही है 15, तो आवर वाली सुई भी आगे बढ़ेगी। अब आवर वाली सुई एक मिनट में आपको पता होना चाहिए कि 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। कितना डिग्री? 1/2 डिग्री। और हमारे पास 15 मिनट का समय है, तो 15 मिनट 1/2 डिग्री अगर हम कर दें तो वैल्यू निकल कर आती है 7.5 डिग्री। अब नोटिस करिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार आता है, यहाँ पे माइनस करें या प्लस करें, हमें यहाँ पे माइनस करना है कि प्लस करना है। आप एक चीज बताइए, ये जो एंगल है तो जब ये आगे बढ़ेगा तो हमें एंगल को बढ़ाना है कि कम करना है? जेन्युइन सी बात है, ये सुई आगे बढ़ेगी तो ये एंगल बढ़ जाएगा, और जैसे ये बढ़ेगा इसका मतलब हमें 60 में 7.5 वाला जो पॉइंट आ रहा है वो हमें जोड़ना है, ना कि घटाना है। अक्सर स्टूडेंट ये भी गलती करता है और 52.7 मार देता है घटाकर, लेकिन हमें यहाँ पे जोड़ना था, तो यहाँ पे 67.5 डिग्री आएगा। क्योंकि आपका ये जो एंगल आ रहा है, अगर सुई घंटे वाली सुई 5 पे फिक्स है, नहीं बढ़ रही आगे, तो आंसर आना चाहिए था 60 डिग्री, लेकिन वो आगे बढ़ रही है, और जब वो आगे बढ़ रही है तो वो एंगल हमारा इम्प्रूव करेगा, आगे बढ़ जाएगा, तो 7.5 डिग्री का इम्प्रूवमेंट मिलेगा। समझ में आया क्वेश्चन? तो जल्दी से इसी पर एक क्वेश्चन और करते हैं, ध्यान से समझिएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 3:30 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण पूछा गया है। तो फटाक से सॉल्व करिए, देखते हैं कितने लोग सही आंसर दे रहे हैं। बहुत ध्यान से सॉल्व करके बताइए जल्दी से सभी लोग। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त है। क्लियर है? अब नोटिस करिएगा कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर इसको डिग्री बना लीजिएगा। नोटिस करिएगा, हम आपको बताते हैं कैसे सॉल्व करना है। देखिए 3:30। अब देखिए ये पूरा डिग्री आप सब जानते हैं 90 डिग्री होगा, सभी को पता है। क्लियर है? अब 90 डिग्री में क्वेश्चन आता है प्लस करें कि माइनस करें। अब एक चीज बताइए, क्लियर है, ये वाली सुई आगे आएगी तो हमारा 90 डिग्री कम होगा कि बढ़ेगा? तो जनरली सी बात है, यहाँ पर कम हो रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर जब मूव करेगी तो हमारा घंटे वाली सुई की वजह से एंगल कम होगा, और कम होने के केस में आप सभी को पता है कि यहाँ पे माइनस करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। कितना सब्ट्रैक्ट करना है उसका कैलकुलेशन हमें मिनट वाली सुई बताती है। मिनट वाली सुई, देखिए एक मिनट में घंटे वाली सुई 1/2 डिग्री बनती है, और हमारे पास 30 मिनट का टाइम है, तो 30 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ गई 15। तो 90 में से हम 15 माइनस करेंगे, वैल्यू आई 75, तो आंसर आएगा 75 डिग्री इज द राइट आंसर। समझ में आ गया सभी को? तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, अगला आप दिखाते हैं आपको। अगला क्वेश्चन होने जा रहा है आपका कैलेंडर पर, कैलेंडर के बेस पर क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। 15 सेकंड मैं आपको दे रहा हूँ। क्लियर है? बहुत ही कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है कि विच डे ऑफ द वीक विल बी द फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी। क्लियर है? कौन सा दिन शताब्दी का पहला और आखिरी दोनों हो सकता है, सप्ताह का कौन सा दिन किसी भी शताब्दी का पहला और आखिरी दिन हो सकता है, दोनों हो सकता है। क्लियर है? तो आपको बताना है कि इसके ऊपर कैसे बनेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि एक्स्ट्रा डे का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर एक्स्ट्रा डे का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए, क्लियर है, तो 0 दिन, 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन हमारे पास एक्स्ट्रा होता है। 0 का मतलब होता है संडे, 1 का मतलब होता है मंडे, 3 का मतलब होता है वेंसडे, और 5 का मतलब होता है हमें फ्राइडे। ये सभी को पता होगा। ये जो दिन आ रहे होते हैं एक्स्ट्रा डे के बिहाफ पर, जो दिन आ रहे होते हैं, इनका नाम होता है लास्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी। क्लियर है? नोटिस करिए, आखिरी दिन होता है, ये दिन शताब्दी के आखिरी दिन कहलाते हैं।
मतलब अगर शताब्दी है, 1700 शताब्दी है क्लियर, तो आपका उसका आखिरी दिन या तो संडे होगा, मंडे होगा, वेडनेसडे होगा, फ्राइडे होगा, क्लियर है। 1700, 1600, 1500, 1300, जिसके आखिरी में डबल जीरो लगा हो। अगर मैं इसमें एक जोड़ दूँ, लास्ट डे का मतलब ये होता है 31 दिसंबर, अगर इसमें मैं एक जोड़ दूँ तो वैल्यू क्या आ जाती है, मंडे। इसमें अगर मैं एक जोड़ दूँ तो वैल्यू क्या आती है, ट्यूसडे। और इसमें मैं एक जोड़ दूँ तो वैल्यू क्या आती है, थर्सडे। और इसमें मैं एक जोड़ दूँ तो वैल्यू क्या आती है, सैटरडे। सभी को पता होगा, क्लियर है। अब जैसे ही आप एक बहुत हो 31 दिसंबर में आप एक दिन जोड़ोगे तो कौन सा दिन आता है, 1 जनवरी। और वो 1 जनवरी अगली शताब्दी का फर्स्ट डे होगा, फर्स्ट डे होगा। तो नेक्स्ट सेंचुरी का पहला दिन कौन सा हो गया, सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार। तो लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी आपके सामने है, फर्स्ट डे ऑफ द सेंचुरी आपके सामने है। अब क्वेश्चन ने यही पूछा था कि कौन सा दिन पहला और आखिरी दोनों हो सकता है, पहला और आखिरी दोनों हो सकता है। तो आपके सामने नोटिस करिए इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है। आप देखिए नोटिस करिए, मंडे यहां पर भी है और मंडे यहां पर भी है, बाकी संडे, वेडनेसडे, फ्राइडे यहां पर है, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे यहां पर है, और कोई कॉमन नहीं होगा। तो फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी आंसर होगा मंडे। तो मंडे इज द राइट आंसर, परफेक्ट आंसर बनेगा मंडे। समझ में आया सभी को, क्लियर है। अब इसी के ऊपर आपसे और भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप देख सकते हो फर्स्ट एंड लास्ट डे इज कॉल्ड अ मंडे। मंडे एक ऐसा दिन है जो किसी और शताब्दी का आखिरी दिन भी हो सकता है और किसी और शताब्दी का पहला दिन भी हो सकता है। दोनों ही शताब्दी का मंडे पहला और आखिरी दोनों दिन मनाया जा सकता है। समझ में आया सभी को, मैं उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसी के ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन और देने जा रहा हूँ, तो फटाक से आपको देखते हैं कितने लोग इसका सॉल्व करते हैं आंसर। विच डे ऑफ द वीक विल बी नॉट द फर्स्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी। कौन सा दिन सप्ताह, कौन सा दिन किसी भी शताब्दी का पहला दिन नहीं होगा, क्लियर है, सप्ताह का पहला दिन नहीं होगा। अब जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, 5 3 1 0 पांचवा दिन होता है फ्राइडे, वेंसडे, मंडे, और ये क्या होता है, संडे। ये कहलाता है हमारा लास्ट डे। हमने आपको बताया था लास्ट डे का मतलब होता है 31 दिसंबर। जैसे ही हम इसमें एक दिन जोड़ेंगे तो हमें 1 जनवरी मिल जाएगी, अगली शताब्दी का पहला दिन, क्लियर है। तो जैसे ही हम इसमें जोड़ा, इसका मतलब सैटरडे, इसका मतलब थर्सडे, इसका मतलब ट्यूसडे, और इसका मतलब मंडे। जैसे ही हम एक इसमें जोड़ेंगे तो हमें मिल जाता है फर्स्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी, कह सकते हैं हम इसको, बिल्कुल कह सकते हैं लास्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी ये बन रहा है, और नेक्स्ट वन आपके सामने है फर्स्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी। दोनों आपके सामने लिख दिए। अब भी क्वेश्चन ने पूछा है, क्लियर है, कौन सा दिन फर्स्ट डे नहीं होगा। अब देखिए फर्स्ट डे की आपकी लिस्ट आपके सामने है, शनिवार, बृहस्पतिवार, मंगलवार, सोमवार पहला दिन हो सकता है, क्लियर है। इन चार में से कोई एक होगा, कौन सा होगा ये नहीं कह सकते जब तक स्पेसिफिक ईयर आपको नहीं पता होगा, क्लियर है। अब नोटिस करना, आपके पास शनिवार भी अवेलेबल है, मंगलवार भी अवेलेबल है, बृहस्पतिवार, ये तो फर्स्ट डे हो सकते हैं, लेकिन बुधवार एक ऐसा दिन है जो फर्स्ट डे नहीं हो सकता किसी भी शताब्दी का। बात समझ में आई मेरी। अब इसके ऊपर एग्जामिनर घुमाकर बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है, फर्स्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी पूछ सकता है, फर्स्ट डे इज नॉट द ऑफ एनी सेंचुरी पूछ सकता है, लास्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी पूछ सकता है, नॉट अ लास्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी पूछ सकता है, और कौन सा दिन जो पहला दिन और आखिरी दोनों हो सकता है ये भी पूछ सकता है। तो आपके सामने मैंने कैलेंडर का एक बहुत ही खूबसूरत का सा कॉन्सेप्ट आपके सामने रखा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं और बताते हैं अपने क्लियर है। देखिए बैंकिंग का एक कोर्स मैंने 15 जुलाई को लॉन्च करा है, अगर उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप आ सकते हो, वहाँ से आप चीज़ें गेन कर सकते हैं, क्लियर है। तो और भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, रक्षाबंधन स्पेशल क्लास थी। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू।